जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट प्लीज मैम। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, एंड यू से माय टोन, नो 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 शिट गिव टू यू, नो नो डोंट अप्रोच, नो नो, यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। राज्यसभा में एक बार फिर स्पीकर जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब जया बच्चन स्पीकर जगदीप धनखड़ से भिड़ गई हों, पहले भी वो स्पीकर से भिड़ चुकी हैं। गौरतलब है राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर धनखड़ ने जया बच्चन को बुलाने के लिए जया अमिताभ बच्चन कहा, जिस पर जया बच्चन नाराज हो गई और उन्होंने स्पीकर के लहजे पर सवाल उठा दिया। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट प्लीज मैम। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। वही संसद में जब जया बच्चन ने स्पीकर के लहजे पर सवाल उठाया तो धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने जया बच्चन को फटकार लगा दी और कहा कि सदन में ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एंड यू से माय टोन, नो 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 शिट गिव टू यू, नो नो डोंट अप्रोच, नो नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, नो इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट, यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम, नो Nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. आपको बता दें जया बच्चन पहले भी स्पीकर से भिड़ चुकी हैं। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान जब भी जया बच्चन का पूरा नाम लिया जा रहा है तो वह गुस्से में आग बबूला हो जा रही हैं। वहीं आज के विवाद के बाद सदन से बाहर निकलने के बाद जया बच्चन ने कहा कि वह स्कूल की बच्ची नहीं है और उन्हें माफी चाहिए। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है, अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and specially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you, you are a nuisance, buddhihin, ये सब शब्द जो है treasury bench वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैं बोल रहा क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रहेंगे? क्योंकि मैं तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24.